कार्यक्रम माहौल टाइट है और माहौल टाइट में आज बात करेंगे हिंदू पक्ष का निरोध खत्म होगा गतिरोध। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी पर एसआई ने सच उजागर कर दिया है, तहखाने कोने में छिपे सत्य को सबके सामने लाकर रख दिया है। एसआई की ओर से मंदिर के साक्ष्य दिए जाने के बाद अब ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंपने की मांग उठने लगी है। बीएचपी नेता आलोक कुमार और राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि एसआई सर्वेक्षण की रिपोर्ट में मंदिर होने की पुष्टि के बाद मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। साथ ही वजूखाने क्षेत्र में पाए गए शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति देने की भी मांग की है। बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि कोर्ट में पेश एएसआई के सबूत एवं निष्कर्ष साबित करते कि इस पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया था और वर्तमान में ये एक हिंदू मंदिर है। उपासना स्थल अधिनियम 1991 की धारा 4 के मुताबिक भी इस संरचना को हिंदू मंदिर घोषित किया जा सकता है। बीएचपी ने ज्ञानवापी में मस्जिद का प्रबंध करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के आह्वान से किया है कि वो मस्जिद को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करें और काशी विश्वनाथ के मूल स्थल को हिंदू समुदाय को सौंप दें। ऐसे में सवाल है, क्या कोर्ट कचहरी के बाहर सुलह होगी? क्या मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष की अपील को स्वीकार करेगा? इस पर लोगों की क्या राय है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। मिल गए प्रमाण, अब क्यों घमासान? इसको तोड़ दिया शिलालेख को, हो सकता है सर्वे होने से पहले उस शिलालेख को तोड़ दिया और उसका आधा टूटा हुआ भाग एएसआई को मिला और उसका ओरिजिनल जो फोटोग्राफ है वो एएसआई के पास है, तो वो शिलालेख यही दिखाता है कि यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। कोर्ट में कब तक लड़ें, मिलकर समाधान करें। अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंत की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता, और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम? हिंदू पक्ष का अनुरोध खत्म होगा गतिरोध। विश्व हिंदू परिषद यह मांग करती है एक शिवलिंग की सेवा और पूजा की अनुमति दी जाए। दूसरा, हम इंतजामिया कमेटी से भी आग्रह करते इस मस्जिद को किसी दूसरे स्थान पर आदर पूर्वक स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं। ज्ञानवापी पर जिद छोड़ेगी इंतजामिया कमेटी। अब आगे हम लोग जो तो उसका इतना ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे और कोर्ट से कहेंगे कि इशू फ्रेम करके इन लोगों का बयान कराएं विवादीगण का। मुस्लिम पक्ष बड़ा दिल दिखाएगा, भाईचारा बढ़ाएगा। जब प्रत्यक्ष हो गया है कि नहीं यह मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है, तो ऐसे ज्ञानवापी मस्जिद को या उसके पूरे अधिकार को हिंदुओं को समुत्सहर्ष मुसलमानों की चाहिए उनको समर्पित कर दें। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी परिसर की एसआई सर्वे रिपोर्ट आने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। कहा कि अभी आपने देखा होगा वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में ज्ञानवापी में एएसआई की रिपोर्ट सामने आई। एएसआई की रिपोर्ट क्या कहती है, बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करती है। दुनिया मजबूत है, लोगों के लिए बहुत आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में ज्ञानवापी में ये एसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये एसआई की रिपोर्ट क्या बताती है, बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन
उस विरासत पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय आपको उपलब्ध कराया था। हम आजादी की लड़ाई को अपनी आंखों से नहीं देखे, देश को आजाद होते समय हम नहीं देखे। चले इसी पर हम बात करेंगे, तमाम लोगों की राय जानेंगे कि आखिरकार क्या हिंदू पक्ष का अनुरोध मुस्लिम पक्ष मानेगा, क्या खत्म होगा ये गतिरोध। हमारे साथ तमाम सहयोगी, हमारे साथ अयोध्या से सत्यप्रकाश रहेंगे, लखनऊ से हमारे साथ मयूष शुक्ला रहेंगे, हरिद्वार से हमारे साथ करण खुराना रहेंगे, सहारनपुर से हमारे साथ नीना जैन भी जुड़ गई हैं। सबसे पहले जल्दी से हम मयूर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं मयूर, जो ये प्रस्ताव आया हिंदू पक्ष की तरफ से? बिल्कुल, देखिए लखनऊ की जनता के साथ इस वक्त हम हैं, उनसे जानते हैं कि ये लोग क्या इसके बारे में जानते हैं और क्या इनकी राय है। ज्ञानव्यापी का जो सर्वे हुआ, ASI ने सर्वे किया, रिपोर्ट सौंपी, कहा कि इसमें हिंदू मंदिर पहले था नीचे, उसमें तमाम सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं। अब विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि अब इसको मंदिर को सौंप देना चाहिए, तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय का और जाँच का है उसका सब सम्मान करते हैं, समझू, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरी चीज़ रह गई है, जिसे गठबंधन सरकार की बात चल रही है, हम नीतीश कुमार को कूट कूट बधाई देते हैं। चलिए, ये नीतीश कुमार पे आ गया, आप आइए सर। विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बनारस में ये बात कही है कि अब ये जो मस्जिद है जिसमें साक्ष्य मिले हैं, तो अब ये मंदिर को सौंप देना चाहिए और अंदर जो शिवलिंग है उसका पूजा पाठ करने के लिए अब उनको जो है उन्होंने अपना जो है आग्रह किया है कि हमको ये चीज़ दे देनी चाहिए, हम इसे पूजा पाठ करें। नहीं, देखिए, अगर तथ्य के आधार पर बात हो रही है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका ऑथराइज विभाग है, उस विभाग ने रिपोर्ट दिया है कि यहाँ पर मस्जिद के पहले मंदिर था, तो निश्चित मंदिर बनना चाहिए और मंदिर में पूजा होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तथ्य के आधार पर बात हो रही है और तथ्य के आधार पर अयोध्या में भी बात हुई, वहाँ भी निर्णय आया। तो यह जो है पूरे देश में, आप जहाँ भी, मेरी चुनाव, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि मॉन्यूमेंट जो है, जो दो भी स्मारक आज है प्रेजेंट टाइम में, ये इतिहास के जब जब कालखंड चेंज हुए हैं, अशोका के समय, कनिष्क के समय और बाद में ब्रिटिश पीरियड या मुगल पीरियड या ये बुद्धा पीरियड में, ये हर समय जिस समय जिसका शासन रहा है उस प्रकार का जो निर्माण हुआ है और बहुत परिवर्तन हुआ है। जमीन यही है, देश यही है और जगह यही है। तो किसी भी जगह की खुदाई करेंगे, उसका उत्खनन करेंगे, तो वहां पर हर प्रकार की सभ्यताओं का, बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। भाई लौटेंगे आपके पास, नीना जैन के पास चलते हैं सहारनपुर से। नीना, आपके पास भी बहुत सारे लोग हैं, जल्दी से पूछिएगा लोगों से क्या राय है उस पर, क्या जो अदालत की कार्रवाई को हटाकर आम लोगों में सहमति होनी चाहिए हिंदू और मुस्लिम पक्ष में? क्या कहना चाहेंगे जो ज्ञानवापी को लेकर सर्वे सामने आया है और हिंदू पक्ष ने डिमांड की है? देखिए, हमारा ये कहना है कि हिंदुस्तान का मुसलमान ये कहता है और ये मानता है कि कलाम पाक ये कहता है, जिस देश में रहो उस देश के आईन का पालन करो। तो जब बाबरी मस्जिद अयोध्या प्रकरण मुस्लिमों ने सहर स्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट में आने दीजिए, उसमें मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो निर्णय किसी और का हो। मेरा इसमें सिर्फ एक और चीज इसमें मैं ऐड करूंगा, ये मुझे लगता है चुनावी प्रोपगंडा है। इसके साथ साथ जो आज देश में निरंतर एक्सपोर्ट हमारा घट रहा है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उस मुद्दों को भी ध्यान दिलाना होगा। और एक शेर मैं जरूर कहूंगा अनवर जलालपुरी साहब का, आज का जो सीनेरियो है कि हरदम आपस का ये झगड़ा, मैं भी सोचूं तू भी सोच, कल क्या होगा शहर का नक्शा, मैं भी सोचूं तू भी सोच, और एक खुदा के हम बंदे, एक आदम की हम औलाद, और तेरा मेरा खून का रिश्ता, मैं भी सोचूं तू भी सोच। मैं एक चीज इसमें और मिलाऊंगा नीना दीदी, आजादी से पहले ना कोई हिंदू था, ना कोई मुस्लिम था, ना कोई सिख था, हम सिर्फ हिंदुस्तानी थे। आज हम अलग अलग खानों में क्यों बटे हैं, मेरा यही प्रश्न है। नीना जी, जल्दी से मुस्लिमों से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, क्या बाहर फैसला होना चाहिए या अदालत में, जल्दी से पूछिएगा। आखिर तक सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और हमारी जमात उलमा जो है वो इस पे नजर रखे हुए हैं, हमारे बड़े आलिम हैं मौलाना अरशद मदनी हैं, वो सब इस पे नजर रखे हुए हैं, समझ गए जी। तो बहरहाल ऐसी बात नहीं है, अवाम बार बार ये चीजें नहीं बर्दाश्त करेगी कि भाई इस तरह के मैटर उठते रहें। ये तो सारा चुनावी प्रोपेगंडा है, मंसूर ने कहा अभी, जी, 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 की चीजें हैं ये,
समझ गए कि इनका मस्जिदों से लेना देना कुछ नहीं है जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं ये कहूंगा कि अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने दीजिएगा और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा उसको मानेंगे। हम आइन के मानने वाले हैं, अमन के मानने वाले हैं, शांति का पैगाम देने वाले हैं, शांति चाहते हैं कि मुल्क में शांति रहे। आप क्या कहेंगे इस सर्वे को लेकर? जी हम कोर्ट के फैसले के इंतजार में हैं और जो भी कोर्ट का फैसला हो। नहीं, एक छोटा सा सवाल, क्या भाईचारे से नहीं निपटा सकते ऐसा फैसला? क्या आपको लगता है कि मसला भाईचारे से नहीं निपटाया जा सकता? मुस्लिम लोग अपना दिल बड़ा नहीं कर सकते? ये तो जो कोर्ट का फैसला आएगा उसी टाइम पर देखा जाएगा क्या हमें करना है क्या देखना। चले नीना, मैं लौटूंगा, नीना लौटूंगा। देखिए मुस्लिम पक्षों को हम सुन रहे थे, सहारनपुर से नीना जैन हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, और जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि देखिए कोर्ट के फैसले पर, यानी भाईचारा, यानी जो हिंदू पक्ष कह रहा है, जो पहल करने की बात कह रहा है, लग रहा है कि मुस्लिम समाज नहीं मानेगा। लौटेंगे हम सत्यप्रकाश के पास भी चलेंगे, हरिद्वार भी चलेंगे। जल्दी से आपको बता दें ज्ञान व्यापी मामले पर यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है वो सुना देते हैं। अब ये बात कह रही है कि जो मंदिर मंदिर है, जो मस्जिद है, उसे सौंप देना चाहिए हिंदू समुदाय को। मामला विशेष सारा न्यायपालिका के अधीन है, देशवासियों को, हम सबको न्यायपालिका में, देश की न्याय व्यवस्था में सबको पूर्ण विश्वास है और सबको धैर्य रखना चाहिए और जो भी माने न्यायालय का आदेश होगा उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। चलिए हम चलेंगे, हमारे साथ सत्यप्रकाश भी जुड़े। सत्यप्रकाश, अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं, जल्दी से जरा पूछिएगा। जी हाँ, हमारे साथ अयोध्या के कुछ साधु संत, हम इनसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, जिस प्रकार से ज्ञानवापी का जो मामला है, अब जो है मांगा जा रहा है कि क्या मुझे अगर मुस्लिम समाज क्या स्वयं स्वतः मस्जिद दे देना चाहिए, आप लोग क्या? मैंने तो परसों ही इस बात को बोला था कि इतने सबूत और इतने सारे एविडेंस साक्ष्य सामने आने के बाद मुस्लिम समाज को और राष्ट्रवादी मुस्लिमों को, भारतीय मुस्लिमों को अपनी उदारता दिखाते हुए स्वतः ही वहां से अपना दावा हटा देना चाहिए और हिंदू समाज को समर्पित कर देना चाहिए, सुपुर्द कर देना चाहिए, ताकि देश का माहौल, देश का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे और इसमें उनके उदारता को हम रहीम रसखान के तरह लेंगे। रामलला प्रतिष्ठित हो गए हैं, विराजमान हो गए हैं। 2003 में यहाँ भी उसी प्रकार से सर्वे हुआ था, उत्खनन हुआ था और सारे साक्ष्य मिले थे। और यहाँ तो राम जन्मभूमि से, राम मंदिर से भी ज्यादा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए मुसलमानों को निश्चित रूप से अपनी मानसिकता को ठीक करते हुए और भारतीय मुसलमानों को हिंदू को सौंप देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। महाराज जी, आप जिस प्रकार से मानते हैं कि आज जो सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ है, ऐसे में अब हिंदू परिषद भी मांग कर रहा है और पूजा की अनुमति मांग रही है। जी बिल्कुल, हम लोग संत समाज और जो भी जिनकी भी आस्था है भगवान शिव से, भगवान राम से, ये लोग पहले भी मांग कर चुके हैं कि हम जो वजू खाने में भगवान की शिवलिंग मिली है उसकी पूजा करने का हमें अधिकार मिलना चाहिए। और जो अभी बताया ऐसा ही कि रिपोर्ट के अंतर्गत 32 जो हमारे साक्ष्य मिले हैं, उन सभी साक्ष्यों में जब स्पष्ट हो रहा है कि पहले से हिंदू मंदिर था, शंकर जी की मंदिर, यहाँ काशी विश्वनाथ जी का मंदिर था, तो क्यों नहीं गंगा जमुनी तहजीब। हर जगह कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब, उसको आप स्थापित करिए ना भाई। हमारा साक्ष्य मिला, हमारा प्रमाण मिला, दे दीजिए, हम गंगा जमुनी तहजीब को देखे किस तरह से उसका पालन करते हैं। तो हम सभी से निवेदन करेंगे, हमें सरकार से भी हम निवेदन करेंगे और कोर्ट से भी मांग करेंगे कि विश्वनाथ भगवान की पूजा करने का हमें अधिकार मिले वहां और मुसलमान भाई उसको हमको सौंप दे, सम्मान के साथ, प्रेम बना रहे जिससे, तो कहीं ना कहीं मुसलमान उसको सौंप दे। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, क्या आप क्या मानते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सत्यप्रकाश, बिल्कुल हम साधु संतों की राय सुन रहे हैं। तो जो तमाम साधु संत वो कह रहे हैं कि देखिए पहल दिखानी चाहिए मुस्लिमों को। हम हरिद्वार का रुख कर लेते हैं, करण भी हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं। करण, अगर बात करें हरिद्वार की जनता, क्योंकि ये धार्मिक नगरी है, ये हरिद्वार के लोग क्या कहना चाहेंगे जरा सुनिए। गंगा, इस समय हम गंगा तट पे जो है कि मौजूद है और हमारे साथ बजरंग दल के प्रदेश संयोजक अनुज वाले मौजूद है, कि आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ये ASI का सर्वे आया उसमें आप क्या सोचते हैं? ये बहुत शुभ संकेत है, राम राज्य की जो हम कल्पना कर रहे थे उसकी ओर ये देश को ले जाता है। जो मुगल शासक थे उन्होंने आके हमारे ऊपर कितने अत्याचार किए हैं और उनके नाम पर यहाँ पर हिंदुओं का कितना शोषण हुआ है, वो आज पूरी दुनिया के सामने आया है।
भगवान राम की स्थापना के बाद अब काशी विश्वनाथ की स्थापना की बारी है। राम के जन्मभूमि का, कृष्ण के जन्मभूमि का और काशी विश्वनाथ का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। जितने भी मुगल शासक आए थे उन्होंने हमारे सारे स्तंभों को तोड़ के अपने नाम दिए थे। कोई भी आक्रमणकारी आता है, कोई भी आतताई आता है, वो कभी कोई निर्माण नहीं करता है, कोई ऐसी बिल्डिंग बनाने का प्रयास नहीं करता। और ये जितने भी वो लाल किला भी हो, वो जो है आगरा का ताजमहल भी हो, ये सैकड़ों वर्षों में बने हुए स्तंभ है और इन्हें बनाने में उनका आयु से ज्यादा का समय लग जाता है। तो सिर्फ इन्होंने उन्हें नाम दिए हैं। और कांग्रेस ने एक साजिश की थी 1947 में जब देश को आजादी मिली कि उन्होंने कहा कि राम मंदिर को छोड़ के किसी भी धार्मिक स्थल के लिए जंग नहीं लड़ी जा सकती, लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, कानूनी लड़ाई पर भी रोक लगाई थी। उसका परिणाम यह रहा कि हिंदुओं के साथ बड़ा शोषण हुआ है। आज हिंदू अपने अधिकारों के लिए जागा है और अपनी जन्मभूमियों के लिए, जो अपने पूज्य देवता है, उनके लिए संघर्ष करने के लिए खड़ा हुआ है और उन्हें कानूनी तरीके से जीत रहा है। बहुसंख्यक समाज भी अपने देश के अंदर आराध्यों को पाने के लिए, उनके धार्मिक स्थलों को पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, मर्यादा में रहकर लड़ाई लड़ रहा है। ये देश के लिए एक अच्छा संकेत है। पर मुसलमानों से भी हम अपील करते हैं, जैसा विश्वहिंदु परिषद ने किया है, ये 1947 में ही उन्हें करना चाहिए था कि उन्हें बड़ा मन करके और कहना चाहिए था कि ये सारे के सारे हिंदुओं की जन्मभूमि, देवताओं की जन्मभूमि है और हम आपको ये सौंपते हैं। तो शायद आज देश के जल्दी से और भी लोगों से पूछ लीजिएगा, इतने कत्लेआम ना होते, इतना विवाद ना होता, तो आज वो समस्याएं समाप्त हो जाती और जो मुसलमानों को डरा डरा के उन्हें जिहादी बनाया जा रहा है वो ना बनता। तो आज भी मुसलमानों से हम अपील करते हैं कि वो आगे बढ़ के आए और जो है हिंदुओं को ये उनके धार्मिक स्थल सौंप दें। बिल्कुल, एक युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या मुस्लिम को भाईचारा दिखाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए और ये बिल्कुल ESI ने जो अपील की है ये नैतिकता के आधार पे भी, और दो बिंदु उसमें निकल कर आते हैं कि नैतिकता के आधार पे भी अपील है कि ये देश कोई तो 1947 का बना हुआ देश नहीं है, ये देश बहुत पौराणिक देश है और विश्व का सबसे पौराणिक देश है। इसकी जो हमारी पहचान है, हमारी पहचानों को हमसे छीना गया और ASI ने दो संकेत ये दिए हैं कि एक तो नैतिकता के आधार पे भी आप इस मस्जिद जो आपने बना रखी है, मंदिर, बिल्कुल हिंदू पक्ष चाहता है करण कि जो तमाम जगह से, अयोध्या से जो हिंदू पक्ष है, चाहे लखनऊ से या हम हरिद्वार से जो सुन रहे हैं, हिंदू पक्ष चाहता है कि भाईचारे से इस विवाद को निपटा लिया जाए और मुस्लिम पक्ष को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। लेकिन नीना जैन के साथ